अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। थर्मामीटर का आविष्कार। थर्मामीटर एक डिवाइस है जिसका उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह उपकरण तापमान को निरूपित या अनुकूलित तरीके से मापने में मदद करता है। यह तापमान मापक एक धातु या अन्य उपयुक्त सामग्री के प्रमाणों पर आधारित होता है जिसका स्वाद तापमान के बदलने पर परिवर्तित होता है। थर्मामीटर का आविष्कार बहुत समय पहले हुआ था। विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर कई वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए हैं। हांस लीनियस, हैंस लिपर्शे और गैलीलियो गैलीले जैसे वैज्ञानिकों ने 16वीं और 17वीं सदी में थर्मामीटर की प्रारंभिक रूप से विकसन किए थे। सबसे प्रमुख थर्मामीटर मॉडल जो गैलीलियो के द्वारा बनाए गए थे, वे एक शीशी में एक दारू की बूंदों को परिवर्तित करते थे और थर्मामीटर के पैमाने को बढ़ाने के लिए गर्मियों को फैला देते थे। इसे गैलीलियो थर्मामीटर कहा जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक डॉन फारेनहाइट, डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने 18वीं सदी के आसपास अपने व्यक्तिगत थर्मामीटर को विकसित किया, जिसे अब भी फारेनहाइट थर्मामीटर के रूप में जाना जाता है। फिर 18वीं सदी के अंत में सेल्सियस, एंडर्स सेल्सियस ने एक नया थर्मामीटर प्रत्यंतरण का निर्माण किया, जिसे सेल्सियस थर्मामीटर के रूप में जाना जाता है और जिसका उपयोग आजकल अधिकतर दुनिया में होता है। थर्मामीटर विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में आज भी किया जाता है और यह तापमान को सही तरीके से मापने में मदद करता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें।